नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। यूपी कैबिनेट ने किरायेदारी से जुड़े अध्यादेश को पास करते हुए किरायेदारी विनियमित अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों के हित को सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। इस फैसले के बाद मकान मालिक और किरायेदारों के बीच अक्सर होने वाले विवाद पर जहां लगाम लगेगी, वहीं किराए में मनमाने ढंग से की जाने वाली बढ़ोतरी को भी काबू में किया जा सकेगा और ये भी पता चल सकेगा कि प्रदेश में कितने लोग किराए के मकान में रहते हैं और कितने लोग अपने घरों को किराए पर दे रखे हैं। कैबिनेट की बैठक में आज 2020-21 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। वहीं 5 जनवरी को यूपी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर जाने वाले थे। 24 से 26 जनवरी तक नोएडा और लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसके तहत सीएम योगी 25 जनवरी को नोएडा में होंगे, जहां मुख्यमंत्री जिलों को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें सेक्टर 16 ए में फिल्म सिटी में मल्टी लेवल पार्किंग, सेक्टर 3 में अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा सेक्टर 150 में शहीद भगत सिंह पार्क का उद्घाटन करेंगे।